हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं फिर से आपके सामने न्यूमोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है कवाला सिस्टम इन न्यूमोलॉजी। जी हाँ, कवाला है ना, केवाला कुछ लोग बोलते हैं इसको, लेकिन कवाला सिस्टम इन न्यूमोलॉजी। मैं आप लोगों को तीन सिस्टम बता चुका हूँ न्यूमोलॉजी का, कि न्यूमोलॉजी में नेम कैलकुलेशन और डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन जो है कैसे किया जाता है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको कैल्डिन सिस्टम, जो न्यूमोलॉजी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो एक्चुअली न्यूमोलॉजी के फादर कहे जाने वाले कीरो विलियम वार्नर है ना, जिनका नाम कीरो के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी कहा जाता है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी जो कहा गया, वो पैथोग्रस को कहा गया, जो कि मॉडर्न न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी उनको माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो कैल्डिन सिस्टम जो है कीरो साहब ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हुआ। और पैथोग्रेन सिस्टम जो है वो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वही चलता है। और हमारा देश, चूँकि हम लोग कट कॉपी पेस्ट में उस्ताद हैं हम सारे इंडियंस है ना, तो हम लोग को जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूमोलॉजी में कैल्डिन सिस्टम सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, उसके बाद पैथोग्रेन सिस्टम, उसके बाद यूनिट सिस्टम, और उसके बाद बहुत सारे हमारे विद्वान लोग जो हमारे देश में, चाहे न्यूमोलॉजी में हो एस्ट्रोलॉजी में हो, वो लोग कवाला सिस्टम न्यूमोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये जो सिस्टम है ये सेफेरियल SEPHERIAL सेफेरियल के ओपिनियन एंड थॉट के ऊपर ये अंक अभाग्यांग मतलब डेस्टिनी और धन अंक निकालने के लिए इस सिस्टम को यूज किया जाता है कवाला पद्धति के अंदर। मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले ही बताया था आप लोगों को कि तीन चार सिस्टम पूरे वर्ल्ड में है, उसमें सबसे भी पॉपुलर टॉप में है अपने इंडिया में कैल्डियन सिस्टम, और कुछ हमारे विद्वान लोग यूनिट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मैं वीडियो बता चुका हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें थ्री मैथड्स ऑफ नेम कैलकुलेशन, वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये चौथा मैथड ऑफ नेम कैलकुलेशन में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने फिर देखा, फिर से लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, मेरे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव मेरे स्टूडेंट ने, सर कवाला सिस्टम भी बता ही दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन है उसमें, ये क्या सिस्टम है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि कैल्डिन सिस्टम में, चूंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती न्यूमोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, तो 1 to 8 जो है नंबर लिया जाता है, अल्फाबेट्स को दिया गया है कैल्डिन सिस्टम में। पाइथागोरियन सिस्टम में 1 to 9 नंबर दिया गया, बड़ा स्ट्रेट नंबर, आप 1 to 9 लिख के उसके नीचे ABCDEFGHI तक लिख दीजिए इस तरह से, उसके नीचे फिर लिख दीजिए इस तरह से करके वो नंबर। ये भी उसी वैसे ही सिंपल तरीके से अगर देखें तो ये भी उसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये भाग्यांक और धन अंक निकालने के लिए सेफेरियल का जो ओपिनियन थॉट है उसके बेस पे कवाला सिस्टम में ये अंक दिया गया है। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए, मेरे से सुन लीजिए कि इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका फिर अपना जो भी लॉजिक है इसके बेस पे आपको करना है, इस पद्धति को लेना है तो बड़ी अच्छी बात, अदरवाइज मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आया उस चीज़ को हम पर्सनली नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए है ना। आज इसके बेस पे जो धन अंक निकाला जाता है वो कैसे निकाला था वो मैं रिसर्च करूंगा, तब मैं आप लोग बताऊंगा, ऐसे मैं कोई चीज़ नहीं बताता। तो मैं ये सिंपल, चूंकि मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, कभी गूगल सर्च में विकिपीडिया सर्च में अगर आपको मिल गया तो आपको लगेगा अब ये क्या है, अब ये भी जानना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर के लिए बता रहा हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, आपके पीछे सफलता पीछे हाथ धो के आएगी। सिंपल आपको ये बात याद रखना है। तो भाग्य को कैसे जानोगे आप, तो नेचुरली अपने भाग्य को आप कुंडली बनवा के जान सकते हो। आप जाके अपना जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आचार्य सांत्वना दत्ता का नंबर दिया हुआ है, उनसे कंसल्ट करके अपने भाग्य को जान लो, अपना भाग्य जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, 100% सफलता आपके पीछे आएगी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले अपना भाग्य चेंज करके हम खुद ही राजा महाराजा बन जाते सब जगह के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम एक डॉक्टर की तरह है, जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना बीमारी लेके, वो आपका इलाज करता है, आपको उपाय बताता है कि इस दवाई को कैसे खानी है, सुबह शाम दोपहर खाना है, खाली पेट खाना है, भरती पेट खाना है, एम्प्टी स्टमक खाना है, जैसे भी है गर्म पानी के साथ खाना है, ठंडा पानी से खाना है, उसी तरह से एक अच्छा न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको वो उपाय बताता है, उस उपाय को आपको फॉलो करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 80% लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे देश में, एकदम बेईमान है, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है। 20% लोग जो है वो ईमानदार लोग हैं, उनके पास आपको जाना है, उनके हिसाब से आपको काम करना है। चलिए बता दूं आपको कि ये क्या होता है कवाला सिस्टम न्यूमोलॉजी। इसके हिसाब से
नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैक्सिमम 22 नंबर दिया गया है, जो कि हमारे और सब सिस्टम में क्या है, कैलरी सिस्टम में 1 to 8 है, पाइथागोरियन में 1 to 9 है, इसमें 22 तक का भाग्य अधन अंक को निकालने के लिए नंबर दिया गया, ये चीज आपको समझना है। अल्फाबेट्स ए टू जेड अल्फाबेट्स को लिया गया है, और रूलिंग प्लेनेट्स एंड राशि, इसमें रूलिंग प्लेनेट्स और राशि को भी स्थान दिया गया है, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या है। तो आप देखेंगे कैलरी सिस्टम में भी ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 2 था, जी का वैल्यू 3 था, डी का वैल्यू 4 था, ई का वैल्यू 5 था, यू बी डब्ल्यू का वैल्यू 6 था, और जेड की वैल्यू 7 थी। यहां तक बराबर है एकदम, सब ठीक है। अब ये एच की वैल्यू इसमें कवाला सिस्टम में जो है, कवाला जो है दो तरीके से लिखा जाता है, सी ए बी ए एल ए भी लिखा जाता है, कुछ लोग सी ए डबल बी ए एल ए भी लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है स्पेलिंग को लेकर। एच की वैल्यू यहाँ 8 है, जबकि वहां कैल्विन सिस्टम में वो 5 है, ठीक है। फिर टी एच है, उसकी वैल्यू यहाँ 9 है, देख रहे हैं ये सब। उसका आई वाई जे, ये हमारे यहाँ जे का वैल्यू कितना था, 1 था, वाई का 1 था, आई का 1 था, ये 10 है। के की वैल्यू वहां 2 थी, यहाँ 11 है। ये सब जो डिफरेंसेस है, और इसका रोलिंग प्लेनेट, एक अल्फाबेट को कवाला सिस्टम रोलिंग प्लेनेट, इसका मरकरी मतलब बुध ग्रह, वर्गो कन्या राशि जिसको बोलते हैं हिंदी में, जी का यहाँ लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिसको बोलते हैं, जुपिटर गुरुदेव हमारे है ना, बृहस्पति, वीनस शुक्र, सेजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, तो ये सब आप देख रहे हैं, सब नंबर्स को दिया गया है अपना अपने हिसाब से, बहुत सिंपल है। एक्वेरियस कुंभ, यूरेनस राहु देव, और नेपच्यून केतु देव, तो ये सारे 11 नंबर तक को ये पर्टिकुलर प्लेनेट राशि दी गई है, जिसको रूलिंग प्लेनेट कहा जाता है, जिसका प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पे या राशि पे। मैं पहले बता चुका हूँ 12 राशियां होती है, जोडियक साइन जिसको कहते हैं, और हमारे देश में चूंकि एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है न्यूरोलॉजी से, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन कवाला पद्धति का एक फायदा है कि इसमें सिर्फ नाम से आप डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, नाम के कैलकुलेशन पे धन अंक भाग्यांक निकाल सकते हैं, सिर्फ नाम के बेस पे, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है। गूगल सर्च में मारेंगे बहुत सारा चीज मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। 12 को फिर जो है वैल्यू जो एल एच सी की वैल्यू 12 दी गई इसमें, जबकि हमारे कैलेंडर सिस्टम में क्या 3 है, दोनों फर्क है, ये चीज ध्यान रखना है। एम 13 यहाँ पे दिया गया, वहां पे 4 था, एन 14 है, एक्स का 15 है, ओ का 16 है, एफ पी का 17 है, टी एस टी जेड डबल डबल वैल्यू डबल डिजिट 18 वैल्यू, क्यू का वहां पे 1 था यहाँ 19 है, आर का 20 है जबकि वहां 2 था कैलेंडर सिस्टम में, एस का 3 था 21 है, और टी का 22 है, और उसी के हिसाब से ये रूलिंग प्लेनेट है। पाइसेस को हम मीन कहते हैं, एरिस को हम मेष कहते हैं, टॉरस को हम क्या बोलते हैं उसको, बैल है ना, वृषभ साहब बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, जेमिनी को मिथुन राशि, कैंसर को कर्क राशि, लियो सिंह राशि, मून चंद्रमा, सन सूर्यदेव, अर्थ पृथ्वी। ये बहुत सिंपल है कवाला सिस्टम न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस सिस्टम को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ कैलेंडर सिस्टम चलता है, बहुत 80% न्यूमरोलॉजी उसको फॉलो करते हैं, जो बचे हैं वो यूनिट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो पाइथागोरियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये रेयरली बहुत कम, बहुत बड़े विद्वानों के द्वारा ये किया जाता है, क्योंकि इस पर बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है, और इसको सटीक बनाने के लिए उन विद्वानों के पास अगर आप जब जाइएगा तब भी आपको देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ इस मेथड को ही लेते हैं, तो इसकी संख्या बहुत कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको फॉरवर्ड और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी डे।